क्या होता है ना स्टॉक मार्केट में, जहां पर लोगों की होप होती है ज्यादा, जहां पर लोगों को लगता है ऐसा होगा वहां पर वैसा नहीं होता, उसका उल्टा हमेशा होता है। सोलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट काफी यहां पर वोलेटाइल है और यहां पर एक डब्लू टाइप का पैटर्न कुछ क्रिएट होने वाला है। सो इसी बेस पे हम लोगों ने यहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो हमने बाइंग की है वो हमारा बाइंग यहाँ पर 377 पर हुआ है यहाँ पर। ओके, तो 377 पर हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है और हमारा जो एसएल रहेगा यहाँ पर बहुत बड़ा एसएल नहीं, 50 पॉइंट का यहाँ पर एसएल देने वाले हम। ओके, तो यहाँ पर हमने 50 पॉइंट का एसएल दे दिया है और यहाँ पर हमारा टारगेट भी अराउंड 50 पॉइंट के करीब रहेगा। ठीक है, और ओके 53 पॉइंट और ये 52 दिख रहा है ना, तो लगभग इसको थोड़ा सा बफर करते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, 60 पॉइंट करीब। और अभी आप देख सकते हैं छोटा मोटा प्रॉफिट भी चल रहा है हमारा। और ट्रेड के बाद पूरा लॉजिक बताते हैं इसका। ओके, सो वेट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड अभी हो चुका है मार्केट बंद और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर पोजीशन है उसको शो करता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पोजीशन है उसमें 1798 रुपये का, मतलब 1800 रुपये का लॉस हमने बुक किया। ओके, अब यहाँ पर जो लॉस हुआ बहुत बड़ा बड़ा लॉस हमने लिया नहीं है, तीन ट्रेड लिए हैं तो तीसरे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने ट्रेड लिया था इसमें मैंने कोई एसएल एंड टारगेट नहीं फिक्स किया था और ये मैंने लिया था अराउंड 320 उसके पास, तो यहाँ पर ये छोटा सा 100 रुपये का प्रॉफिट तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। सो हमारा जो ट्रेड हुआ था, ये दोनों मेन हमारे ट्रेड हैं। सो जो हमने वीडियो में दिखाया आपको, तो ये वाला पहला ट्रेड था जो हमने ट्रेड लिया था, ये वाला। सो इसमें 875 रुपये का और इसमें 1041 रुपये का दो लॉस हमारे हो गए। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट का सिचुएशन क्या था आज। ओके, सो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक डब्लू टाइप का पैटर्न मार्केट क्रिएट करना चाहता था और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा था, बट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ही घूम गया। ठीक है, यहीं से मार्केट घूम गया और हमने यहाँ पर बाइंग कर ली अपसाइड के लिए। हमें लगा कि यहाँ पर ये वाला मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, ऐसे, बट ऐसा हुआ नहीं और यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर हमने बाइंग की थी, यहाँ तक हमारा प्रॉफिट दिखाया अराउंड 100 पॉइंट का, हमने यहाँ पर बुक नहीं किया और मार्केट नीचे गिर गया। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर बाइंग की थी, यहाँ पर बाइंग किया, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप देखें कि कुछ ही पॉइंट यहाँ पर ऊपर गया था, ऐसा नहीं कि लेते ही यहाँ पर लो आ गया, बट यहाँ पर भी देखिए 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर से मार्केट डाउन गिर गया। और मार्केट देखिए आज ऊपर नहीं जाना, सॉरी नीचे जाना नहीं चाहता था, इसीलिए इस तरह से मोमेंटम इसलिए हुआ, बहुत छोटा छोटा मोमेंटम हुआ। और ये वाला जो ये मोमेंटम हुआ, ये देखिए आप अराउंड यहाँ पर 220 के बाद ये वाला मोमेंटम अच्छा खासा हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते ख़राब मोमेंटम है, अराउंड यहाँ पर देखेंगे 250 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम यहाँ पर है। बट ये
बट यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द चांस मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था बट गया नहीं, और यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग की गलती क्या हो गई, एक चीज़ मैं इसको ध्यान दिया था बट इसको मैंने क्या हुआ, साइकोलॉजी ख़राब होती है पहला ट्रेड लॉस होता है तो। यहाँ पर देखिए एक लो बनाया, ये सेकेंड लो, ये तीसरा लो बनाया, तो यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए था मार्केट अब यहाँ से डाउन ही गिरेगा, बट हमने यहाँ पर फिर से बाइंग साइड का ही ट्रेड लिया, यहाँ पर हमें डाउन साइड का ही ट्रेड लेना था, तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी गलत हुआ हम लोग का, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें डाउन साइड का थर्ड ट्रेड जो लेना था, यहाँ पर सेकंड ट्रेड मतलब हमें जो लेना था डाउन साइड का लेना था, बट यहाँ पर भी हमने बाइंग कर ली थी, और लेकिन एसएल हमारा बहुत छोटा सा था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 40 पॉइंट का एसएल हमने लिया था, इससे ज़्यादा यहाँ पर हमने लिया नहीं जानबूझकर, 40 पॉइंट का सिर्फ लिया था ओके। तो यहाँ पर 40 पॉइंट देके बाहर निकल गए, उसके बाद छोटा सा ट्रेड आई थिंक मैंने यहाँ कहीं पर लिया था वो वाला जो 100 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, यहीं पर हम निकल गए, यहाँ मार्केट घूम गया नीचे। सो आज के दिन आप देखेंगे मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छी खासी थी यहाँ पर, क्योंकि देखिए मार्केट का क्या हुआ, यहाँ पर एक इसका सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया था, देखिए यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया, इसको भी मार्केट ने यहाँ कई बार ब्रेक किया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट का एक रेसिस्टेंस ये वाला था, इसको मार्केट ब्रेक तो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर कई बार मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है, फेक ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने ये वाला प्रॉपर ब्रेकडाउन ये वाला दिया, तो आज वॉलेटिलिटी अच्छी खासी थी मार्केट में, और मार्केट साइडवेज भी था आज, यहाँ पर ऑप्शन आज सेलिंग कर रहा था, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग होता तो अच्छा प्रॉफिट होता यहाँ पर, बट उतना मेरे पास फंड नहीं है कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बाइंग किया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अब ऑप्शन में आके कि कहाँ कहाँ पर हमने बाइंग की थी। पहला जो ट्रेड था हमारा ये वाला था, ठीक है, 38,300 की सी, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर बाइंग की थी 377 पर बाइंग की थी, हमारा जो टारगेट था वो 457 के आसपास था, अराउंड यहाँ पर 80 पॉइंट के आसपास, और यहाँ पर हमने निकाल दिया था, यहाँ पर मार्केट ने एसेलेट किया हमारा और यहाँ से हम निकल गए बाहर। फिर से एक ट्रेड हमने जो लिया था उसमें भी सी साइड था 38,200, यहाँ पर हमने बाइंग की थी, हमें बाइंग दरअसल यहाँ पर करनी चाहिए थी, अब यहाँ पर भी करते थे फिर भी एसएल हिट हो ही जाता, कोई वो नहीं था, बट यहाँ पर क्या होता ना थोड़ा सा प्रॉफिट होता था, यहाँ पर हम बुक करने की सोचता कहाँ बुक कर सकते हैं, अराउंड देखिए 50 पॉइंट यहाँ से मार्केट फिर भी गया था, तो यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस किया था बट यहाँ पर एक्टिव नहीं हुआ, तो मैंने फिर मॉडिफाई करके यहाँ पर एक्टिव कर लिया ट्रेड को। सो वन अदरवाइज जो हमारा लॉस हुआ था, सो वो 4-5 रुपये के प्रॉफिट में आ जाते हैं हम अगर यहाँ पर ट्रेड एक्टिव हुआ होता और ये वाला टारगेट हम ले लेते, ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव हुआ ट्रेड तो हमने फिर ये वाला टारगेट बना दिया इसको, तो इसलिए यहाँ पर ये भी इसमें भी लॉस हो गया, तो दोनों लॉस आज हमने कट करना पड़ा प्रॉफिट को अपने, और इस चीज़ को मैंने कल ही बता दिया था कि आज मार्केट में कई लोग लॉस करेंगे, उसमें से हम भी एक थे, हमको नहीं लग रहा था मैं करूँगा क्योंकि मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला था, मेरा ट्रेड करने का दिन मैं सोच रहा हूँ सिर्फ, मैं कोशिश करता ट्रेड करने के लिए बुधवार को और गुरुवार को, दो ही दिन का मैं सोच रहा था इस हफ्ते में ट्रेड करेंगे, बट आज ट्रेड कर लिया, और अब वैसे भी करेंगे भी देखेंगे कल भी कर सकते हैं, तो दो ही दिन का अब दो मैं सोचा था कि यहाँ पर मैं सिर्फ दो ही दिन ट्रेड करूँगा, बट यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था, इससे पहले भी देखेंगे आप, मैंने देखिए यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, ये कल का है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मंडे को लॉस करेंगे, देख लेना आज यूट्यूब आप खोल के देख लीजिए, यूट्यूब में कई लोग जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं उनके देखिए, आज आपको मोस्ट ऑफ दी जो यूट्यूब चैनल होंगे वहाँ पर आपको लॉस ही दिखेगा ओके। तो यहाँ पर देखिए पहला ट्रेड मैंने सुबह के दिया था 9:46 पर 38,300 की सी, और ये 464 पर बाई करने के दिया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अराउंड 50 पॉइंट का मैंने टारगेट दिया था, बट फिर भी ये 60-70 पॉइंट ऊपर गया था ओके। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक और दिया था 38,500 की सी, यहाँ पर थोड़ा गलती से मैंने 38,500 की सी लिख दिया था, दरअसल हमें देना था 38,200 की सी, ठीक है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा मार्केट गया था, अब देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 435 पर बोला था और 463 से ऊपर मार्केट गया था, और जब मैंने देखा गलत स्ट्राइक प्राइस दे दिया तो मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया कुछ, तो यहाँ पर मैंने बता भी दिया कि अपडेट गलती से मैंने कर दिया था, और एक ट्रेड दिया था सी में, ये वाला एक्टिव ट्रेड नहीं हुआ, और उसके बाद हमने ट्रेड ये वाला प्लेस किया और यहाँ पर हमने पोस्ट किया, और ये वाला ट्रेड में दो ट्रेड में हमने लॉस किया, और देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था हम लोग का, देखिए यहाँ पर अराउंड 825 से ज़्यादा 828 ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, तो 828 से ज़्यादा का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर बुक नहीं किया क्योंकि
वन लॉट से अगर हम काम कर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा का भी प्रॉफिट ना हो तो क्या फ़ायदा बुक करने का। तो यहाँ पर हमने SL ले लिया आराम से, क्योंकि 1000 से ऊपर दिखता तब मैं सोचता कहाँ मैं इसको बुक कर लूँ, बट 1000 नहीं हुआ था, 850-900 के करीब गया था, तो हमने इसलिए बुक नहीं किया। यहाँ पर जो मैंने सेकेंड ट्रेड लिया था वहाँ पर भी हमें प्रॉफिट दिखा रहा था अराउंड 600-700 के रुपये के आसपास, तो वहाँ पर भी हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया और वहाँ पर भी हमने लॉस ले लिया। ओके, सो 1000 के ऊपर वन लॉट में दिखाता है तभी वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचता हूँ, ऐसा यहाँ पर मैं बुक नहीं करता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बुक भी नहीं किया था। सो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर ये जो लॉस हुआ है कोई दिक्कत नहीं, इसको ये रिकवर हो जाएगा एक दो दिन में, इससे ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट कर लेंगे। ये कभी कभी हो जाता है ना, ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये आज हुआ था, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। थोड़ा सा क्या है कि मार्केट देखिए यहाँ पर अच्छा खासा मूव किया है पिछले दिन, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो प्रीवियस डे था मार्केट बहुत बेहतरीन मूव किया था यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आज वोलेटिलिटी क्रिएट हुई, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर लग रहा था क्या, कई लोगों को ये लग रहा था कि जैसे आज मार्केट ने किया था मतलब प्रीवियस डे, मार्केट सेम वही सिनेरियो अपनाएगा। आज भी देखिए मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, पहली कैंडल रेड हुई, यहाँ पर क्या हुआ पहली कैंडल रेड हुई आज का, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर क्या हुआ मार्केट यहाँ भी ऊपर गया, कई लोगों ने यहाँ पर फटाफट बाइंग की होगी, यहाँ पर मार्केट में लॉस कराया सबका, ठीक है। मैंने इसलिए परसों बोला मतलब कल बोल दिया था कि आज कुछ लोग लॉस करेंगे, ज़्यादातर लोग, ठीक है। मैंने यही सब देखते हुए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये वाला किया था, बहुत पहले से मैं करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर आज लॉस होने वाला, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ये लॉस हुआ, यहाँ पर भी लॉस हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट आया नीचे, यहाँ से लोगों को लगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया। देख जहाँ पर देखिए क्या होता है ना स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर लोगों की होप होती है ज़्यादा, जहाँ पर लोगों को लगता है ऐसा होगा वहाँ पर वैसा नहीं होता, उसका उल्टा हमेशा होता है। और यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में ये अपडेट क्या किया था, तो जो लॉस हुआ मेरी गलती की वजह से हुआ, बट मैंने अपडेट बहुत ही बेहतरीन चीज़ किया था। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा था कि यहाँ पर ये आप देखेंगे कितने बजे का है, अराउंड 10:47 पर मैंने बताया था क्या, या तो मार्केट वॉलेटिलिटी एंड साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी आपको दिख गया और साइडवेज भी दिख गया, और यहाँ पर देखिए मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट दिखे डाउन साइड के लिए मैंने ये बनाया था, ठीक है, कि मार्केट आए तो क्या नीचे, अगर नीचे आना बहुत स्लो आएगा मतलब वॉलेटिलिटी एंड साइडवेज क्रिएट करते हुए मार्केट नीचे आएगा, या तो मार्केट ऐसे ऐसे घूम जाएगा। तो ये वाला सिनारियो हुआ, ये वाला भी हुआ था, ये वाला थोड़ा सा हुआ, ये वाला पूरा हुआ, ये वाला सिनारियो पूरा आज हुआ मार्केट में। तो ये मुझे लग रहा था कि ऐसा ही आज करने वाला, तो इसलिए आज लॉस भी हम लोग बड़ा यहाँ पर नहीं रखे हैं, छोटा छोटा लॉस देके दो ट्रेड यहाँ पर छोटा छोटा लॉस देके निकल गए, क्योंकि अब रोज़ तो होता नहीं ना कि रोज़ प्रॉफिट आप कर सकते हैं, कभी आपको मार्केट को भी देना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझते हुए जिस दिन आपको लगता है कि भाई आज एक दो ट्रेड आपको लॉस में हो गया, तो वहाँ पर आप समझ जाए कि मार्केट आज आपको पैसा नहीं देना चाहता, वहाँ पर अगर और भी ट्रेड करते हैं तो लॉस में जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया और यहाँ पर हम लोगों ने लॉस बुक कर लिया आराम से। और यहीं पर देखिए मेरा एक फ्रेंड आया था मेरे साथ में, तो उसको मैंने ये वाला ट्रेड दिया था, ये वाला, तो ये देखिए पी साइड मैंने दे दिया था, क्योंकि मुझे वैसे खास लग नहीं रहा था कि मार्केट पी साइड जाएगा, टारगेट हिट कर सकता है, बस थोड़ा बहुत था कि हाँ घूम सकता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी आप जो भी आप ट्रेड करते होंगे 10 में से 7 ही बार काम करेगी और 3 बार उल्टा काम कर जाता है, दूसरा वाला जीत जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था आज तीसरा वही वाला है कि जो 10 में से 7 बार आज हम फेल हो रहे हैं, आज वो दिन है, और जो 3 दिन चलता है जो ट्रेड उल्टा साइड, तो वो वाला ये दिन है, तो ये वाला फिर मैंने उसको बाई कराया था, और यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या हुआ, टारगेट हिट कर गया ये वाला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पर भी। सो फ्रेंड अगर आपको भी जुड़ना हो टेलीग्राम से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। और आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि यहाँ पर लॉस क्यों हुआ, मैंने ट्रेड क्यों लिया था, सारा चीज़ यहाँ पर बता दिया। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को फ्रेंड। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।